और देखिए इस समय हम पायल में पहुंच चुके हैं और हम आपको लेकर जा रहे हैं इस समय हजारों वर्ष पुराने प्राचीन मंदिर में, जहां पर कभी पांडव आए थे, उन्होंने जहां पर मंदिर स्थापना की थी। और देखिए यहाँ पर चालू हो चुका है ये पुराना जो हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये जगह इधर होला करो होली करो, ये देखिए जहाँ पर ये जो अभी शेष जो हैं पुराने जो घरों के हैं जहाँ से शुरू हो चुके हैं। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं धीरे धीरे। तो आप देखिए जहाँ चौंक आ चुका है जब पायल गाँव का, होली कर लो, जहाँ होली कीजिए और इस तरफ जाना पड़ेगा, मेरे को पीछे जाना पड़ेगा। चलो आगे चले थोड़ा सा और थाना पर पीछे जाना पड़ेगा, यहाँ से मोड़ काटना पड़ेगा आपको। और देखें हाँ आगे हम जय पुलिस थाना के पास पहुँच चुके हैं, लेकिन जहाँ से हमें बैक जाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखें यहाँ पर ये जो पुराने खंडर इस समय यहाँ मौजूद हैं, ये कोई नया शहर नहीं है, जो बहुत पुराना शहर है। पायल जो गांव में हम आ चुके हैं, ये जहाँ का छोटा सा कस्बा है, जहाँ से आप बैक ले लीजिए। हम चलेंगे दूसरी तरफ जहाँ मंदिर है। तो ये चौक है पायल का जहाँ पर हम पहुँच गए हैं, लेकिन हमें पीछे जाना पड़ेगा। हमने जहाँ से टर्न किया गाड़ी को और हम देखे जहाँ से बैक जा रहे हैं, क्योंकि हम आगे आ गए थे चौक में। और देखिए अब हम फिर बैक जा रहे हैं दिल्ली रोड की तरफ। तो देखिए ये पायल गाँव में इस समय हम पहुँच चुके हैं और हम धीरे धीरे जा रहे हैं जहाँ पर अभी एक, और देखिए समय हम पायल गांव की तरफ जा रहे हैं जहाँ मंदिर है। चलिए आगे चलिए थोड़ा सा और चलिए। ये CHC पायल हॉस्पिटल है ये, और थोड़ा सा और आगे चलिए। ये देखिए ये चलिए इधर देखिए यहाँ पर महादेव मंदिर प्राचीन पायल दौरा, इधर कैमरा लगा लेने तो उनको। और देखिए जहाँ पर ये सीधा मेन ही है, जब मेन आते हैं हम लुधियाना से दिल्ली रोड से, तो इस तरफ आपको पहले यहाँ ये वाटर टैंक बना है, इसके पास ही आपको टर्न करना पड़ेगा। ये देखिए हम आउटसाइड से जा रहे हैं इस समय और शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम गलती से उधर चले गए थे। और देखिए ये कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी इसी रास्ते में आ रहा है। तो ये देखिए बाहरी इलाका है इस समय। और देखिए धीरे धीरे करके हम पहुंच रहे हैं उस मंदिर की तरफ जहां पर कभी मुसलमानों की फौज ने आकर यहाँ आक्रमण किया था। ये बहुत बड़ा शहर था किसी समय, जहां पर लोग बसते थे हजारों वर्ष पहले। तो आज हम उसी मंदिर के दर्शन करवाने के लिए हम जा रहे हैं। और देखिए हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर कभी पांडव रहे थे। पांडवों को वनवास हुआ था, वो जंगलों में घूमते घूमते पंजाब में भी पहुँचे थे, जहाँ पर हम आपको लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि पांडवों ने जब जहाँ पर विश्राम किया था, जहाँ पर रहे थे वो, तो जहाँ पर उन्होंने तालाब जो है वो भी जहाँ पर उनके नाम से है। तो देखिए ये रास्ता भी चौड़ा हो चुका है, पहले हाँ रास्ता छोटा था। और देखिए यहाँ से ये जो गौशाला है इस सब आरंभ हो चुके हैं। ये गौशाला दिखाइए, ये भी इसी का पार्ट है, ये मंदिर का। चलो आगे धीरे धीरे चलते हैं। और देखिए मंदिर का जहाँ से शुरू हो चुका है ये मंदिर, ये देखिए जहाँ से ये मंदिर का जो शुरुआत हो चुकी है, जहाँ पर ये जो इस समय हम जहाँ पर आए हैं पायल के मंदिर में। और देखिए इस समय ये गेट है जहाँ पर, और इसके हाँ ये इसके अंदर हम जाएंगे, एंटर करेंगे। और देखिए इस समय हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। और देखिए यहाँ पर जब मंदिर में हम धीरे धीरे मंदिर में इस समय पहुँच गए हैं, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि ये जो प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर भोले शंकर का हर महादेव जी का मंदिर, आगे लगा लीजिए जहाँ पर। तो देखिए जहाँ पर हम इस समय रुकेंगे और आपको दर्शन कराएंगे उस मंदिर के जहाँ कभी पांडव आए थे। और देखिए इस समय हम जहाँ पहुँच चुके हैं पायल के जो महादेव मंदिर है, तो हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर यह जो पायल मंदिर है इसकी हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले हम आपको जो पायल में जो शिव मंदिर है उसके दर्शन करवाते हैं, जहाँ पर पांडवों ने आकर तपस्या की थी। पांडव सारे हिंदुस्तान में घूमे थे, लेकिन उत्तरी भारत में जहाँ जहाँ पर वो आए थे, तो उनमें एक हिस्सा जो है पंजाब स्टेट का जो है इस समय जहाँ हम पायल गांव में खड़े हैं, तो ये पायल गांव जहाँ पर जो बसा हुआ है, लेकिन ये इस समय कोई आसपास आबादी नहीं है, एक जंगल की तरह था। लेकिन अब लोगों ने यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू कर दी है। तो हम आपको लेकर चलते हैं पायल के उस मंदिर में जहाँ पर शिवलिंग है और वो शिवलिंग खंडित है। और देखिए इस समय हम धीरे धीरे उस तरफ जा रहे हैं जहाँ मंदिर है और उस मंदिर में आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए जहाँ पर यह मंदिर बहुत खूबसूरत बन चुका है और जहाँ पर यह एक तीर्थ स्थान ही बन गया है, जहाँ पर और शिवरात्रि के त्यौहार पर या हर महीने की त्रयोदशी पर जहाँ पर बहुत भारी मेला लगता है। तो हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर इस समय यह जो बट वृक्ष हैं, ये आज से नहीं हज़ारों वर्षों से यहाँ पर हैं। और ये जो बट वृक्ष हमें आप देख रहे हैं, और देखिए यहाँ पर बट वृक्ष के बाद हम धीरे धीरे उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर भगवान भोले शंकर का मंदिर है। और देखिए यहाँ पर दूध की सेवा भी हो रही है। पहले हम सेवा करेंगे फिर दूध पिएंगे। देखिए यहाँ पर दूध की सेवा जहाँ चल रही है, ये मंदिर में आप यहाँ पर आएँ और दूध भी मिलेगा आपको। त्रयोदशी लिखा है, जहाँ पर त्रयोदशी को जब लंगर वगैरह लगता है। तो हम आपको उस तरफ लेकर जा रहे हैं जहाँ पर भगवान शंकर भोले का मंदिर है। जहाँ पर पहले प्राचीन मंदिर था, ये देखिए जहाँ पर प्राचीन मंदिर है, जो जहाँ पर इस समय हम पहुँच चुके हैं, जहाँ पर ये प्राचीन मंदिर है। आज से नहीं हज़ारों वर्षों से पहले जहाँ पर पांडवों ने आकर इस मंदिर का निर्माण किया था। जहाँ जहाँ पांडव गए वहीं पर उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद, क्योंकि पांडव जो थे वो शंकर भगवान की पूजा करते थे, राम भी शंकर की पूजा करते थे। और जितने भी हमारे राजा महाराजा हुए हैं हिंदुस्तान में, शंकर, क्योंकि शंकर का नाम हर जगह है दुनिया में। और आज भी भारत में नहीं, भारत के आसपास जितने भी छोटे छोटे मुल्क हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वहाँ पर भी शंकर भगवान के मंदिर हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये जो इस समय हम जहाँ पर आए हैं मंदिर के बीच में, ये जो मंदिर का इतिहास है बहुत पुराना है। तो आइए पहले हम तालाब दिखाते हैं। इसकी तीन सीढ़ियाँ जो हैं, अभी पानी छोड़ा नहीं गया इसमें। और ये देखिए तीन सीढ़ियाँ जो हैं इस समय, जहाँ पर जो पहले की तीन सीढ़ियाँ हैं जो पांडवों ने बनवाई थी, जहाँ पर वो जहाँ रहे, जहाँ उन्होंने तपस्या की, जहाँ पर भोले शंकर की उन्होंने आराधना की और जहाँ पर ही वो विश्राम करते थे, रहते थे। तो आज ये जो मंदिर है फिर दोबारा लोगों के दर्शनों के लिए, लोग यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए आते हैं। तो ये देखिए तालाब है इस समय। ये तालाब की जो तीन सीढ़ियाँ जो पहले वाली हैं पांडवों ने बनवाई थी। तो उसके बाद हम साथ ही आपको ये दिखाते हैं कि यहाँ पर मंदिर जो है, पहले जहाँ प्राचीन मंदिर था उसको डेमोलिश करके दोबारा जो नया मंदिर तैयार किया गया है। लेकिन जो शिवलिंग है वही पुराना है। और धीरे धीरे जब बाबर की फ़ौज यहाँ पर आई, तो बाबर की फ़ौज ने देखा कि यह मंदिर बहुत पुराना है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं पूजा करते हैं। तो उन्होंने जहाँ पर सबसे पहले जहाँ पर जो लोग रहते थे उन पर कत्लोगार्द किया, उन्हें इधर उधर खदेड़ दिया। घोड़ों की आवाज़ें आ रही थी, हाय हाय की आवाज़ें आ रही थी, बचो बचाओ की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन वो हमला करते करते जहाँ पर पहुँच गए, जो जहाँ पर लोग थे उन्होंने उनका मुकाबला किया। लेकिन जो अन्यायी थे, जो जालिम थे मुसलमान, बाबर की फ़ौज वो आगे बढ़ी। आगे बढ़ते बढ़ते यह तालाब गवाही देता है उस समय की। और बचो बचो बचाओ की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मुसलमानों की फौज आक्रमण करती करती आगे बढ़ती गई। जहाँ के जो पुजारी थे, पंडित थे, गांव वाले थे, उन्होंने बड़ा आक्रमण किया मुसलमानों के ऊपर, लेकिन मुसलमान नहीं माने और उन्होंने जहाँ पर अपनी नंगी तलवारों से आगे बढ़ते बढ़ते तो जहाँ पर लोग शिवलिंग की पूजा करते थे उस पर आक्रमण किया। तो आप हम आपको लेकर चलते हैं कि ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिवलिंग जो खंडित है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है और जहाँ पर आज हज़ारों की तादाद में जो लोग आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। तो ये देखिए जहाँ पर इस समय मौजूद है हज़ारों वर्ष पुराना शिवलिंग, जहाँ पर कभी मुग़ल बाबर के जो सैनिक थे उन्होंने आक्रमण किया था और आक्रमण करने के बाद इस शिवलिंग को ऊपर से काट दिया था। और देखिए जहाँ पर हम आपको दिखाते हैं इस समय, और देखिए ये शिवलिंग इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ जब बाबर के सैनिकों ने अपनी कृपान से शिवलिंग पर अटैक किया और शिवलिंग का जब ऊपर का हिस्सा कटा तो उसमें से लहू निकला, खून निकला उसके ऊपर से। तो सभी जितने मुस्लिम सैनिक थे घबरा गए, सैनिक घबरा गए कि क्या हो गया, एक पत्थर से खून निकलने लगा है। लेकिन ये शिवलिंग भगवान का शिवलिंग था और इसकी पूजा की थी हमारे पांडवों ने, इसमें शक्ति थी, पॉजिटिव एनर्जी थी। इसे देखकर इतना घबराए जो सैनिक थे मुसलमान, वो सब कुछ भाई कृपाने वगैरह छोड़कर उन्होंने अपने जो शासक थे उनको खबर दी कि जहाँ पर ये सब हो रहा है। तो उन्होंने जहीं पर इस समय जो ये मंदिर है शिवलिंग का तो इसे जहाँ पर छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद इन्होंने एक मंदिर इसी के बदले जहाँ पर पूजा अर्चना करते थे पुजारी थे, तो उन्होंने कहा कि आपकी जो इस समय मन को शांति तभी मिलेगी जब दोबारा आप यहाँ पर मंदिर का निर्माण करेंगे। तो उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया जहीं पर। तो ये जो शिवलिंग है हम आपको दिखा रहे हैं, दुनिया में, भारत में, पंजाब में, लुधियाना शहर में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिवलिंग जो कटा हुआ है, बाबर के सैनिकों ने इसे काटा था, आज यहाँ मौजूद है, हम आपको दिखा रहे हैं। यह पायल गांव में है, लुधियाना शहर में, ये एक ऐतिहासिक मंदिर है। और देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, यहाँ पर आज भी पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। उस समय भी पूजा अर्चना हो रही थी जब बाबर ने जहाँ पर हमला किया था, उन्होंने जहाँ पर कृपानों से, तलवारों से हमला किया था, उनके सैनिक घोड़े लेकर जहाँ धड़धड़ाते हुए आए थे, तब जब उन्होंने इस पर अटैक किया तब खून की धारा निकली इसमें से और मुस्लिम सैनिक घबरा गए और उन्होंने वहाँ पर जाकर इसके शासक, या तो मुस्लिम शासक था बाबर, को इसकी खबर दी। तो उन्होंने जहाँ से मंदिर बनवाया जहाँ पर ये मंदिर का शिवलिंग आज भी मौजूद, लेकिन छोटा मंदिर था जो आज से 15-20 साल पहले उसको गिराकर जहाँ पर नया मंदिर जो इस समय स्थापित किया गया है, लेकिन शिवलिंग वहीं का वहीं है ये, क्योंकि तभी नीचे है जहाँ पर ये सीढ़ियाँ चढ़कर फिर सीढ़ियाँ उतर के नीचे आना पड़ता है जहाँ पर। तो इस समय जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए जो बाकी तीर्थ हैं जहाँ पर, जो भीमाशंकर पुणे में है, तरेमेंबकेश्वर है नासिक में, गुमेश्वर है लोरा में, रामेश्वर है सेतु बंधु में, और जहाँ पर ये जो है श्री केदारनाथ है और श्री मल्लीकार्जुन शैल पर्वत है, जहाँ भगवान शंकर का जो ये मंदिर है इस समय जहाँ पर हम खड़े हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो मंदिर है इस समय शंकर भोले का है। और देखिए यहाँ पर आप कभी आओ, और देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, और जो चलती रहती है, पूजा होती रहती है, शंकर भगवान के जो दर पे आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती रहती है। यहाँ पर देखिए हम वहाँ दिखा रहे हैं कि जहाँ पर पंडित जी जहाँ पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर जो लोग आते हैं, लेकिन जंगल में ये एक मंदिर है, पायल गाँव में एक मंदिर है, लुधियाना से दूर ये मंदिर है, लेकिन जहाँ श्रद्धालु आते हैं, देखिए जहाँ पर लगा सामने, और सर झुकाते हैं भगवान के चरणों में, सर झुकाते हैं, शिवलिंग के दर्शन करते हैं, भोले बाबा के दर्शन करते हैं। वो शिवलिंग के दर्शन करते हैं जिसको कभी मुसलमानों ने तलवार से जहाँ वार किया था, लेकिन खून की धारा निकली थी शिवलिंग से और उसे जहाँ छोड़ के चले गए और उन्होंने जहाँ पर एक नया मंदिर बनवाया। आप भी कभी दर्शन करें इस शक्तिशाली भगवान शंकर भोले के शिवलिंग के, और आपको जो मांगोगे वही मिलेगा। यही लोगों का जहाँ का कहना है कि ये शक्तिशाली जो इस समय लोगों का प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन चुका है मंदिर, और यहाँ का जो शिवलिंग है वो सबसे शक्तिशाली जो पॉजिटिव एनर्जी देता है जहाँ पर इस समय स्थापित है। यह हजारों वर्ष पुराना पवित्र स्थान है जहाँ अनेकों साधुओं ने महान तप किया। वह 9 साधुओं ने सारी उम्र तपस्या करने का पश्चात भिन्न भिन्न समय में जीवित समाधि ली। जहाँ के पवित्र सरोवर की 2.5 सीढ़ियों की पहली बार निर्माण पांडु ने अपने वनवास दौरान किया। जहाँ स्थित शिवलिंगम संसार का एकमात्र ऐसा शिवलिंगम है जो खंडित स्वरूप में भी पूजन हो गया है। ये संसार का एकमात्र मुगल सम्राट बाबर द्वारा बनाया गया मंदिर। इस संस्थान की धार्मिक महत्ता भारत में काशी जी के बाद दूसरे स्थान पर है। इस शिवलिंगम पर निरंतर 44 दिन पूजा करके जल चढ़ाने वाले को भोलेनाथ साक्षात दर्शन देते हैं। जहाँ सदियों पुराना बट का पेड़ आज भी मौजूद है जिसे अनेकों साधुओं के चरण स्पर्श प्राप्त है। इस स्थान का दर्शन बड़ा पुण्यदायक व कल्याणकारी है। यह स्थान अपनी प्राचीन रमणीय कथा के कारण ऋषियों मुनियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इस मंदिर की 350 गौओं की गौशाला भी है। और देखिए इस समय यहाँ पर जो पूजा आराधना करते हैं, आरती करते हैं, मेरे सामने पंडित जी हैं। थोड़ा सा बताइए कितने लोग यहाँ पर आते हैं और क्या क्या ज्योतिर्दोषी को कितने लोग यहाँ भजन वगैरह करते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं? यहाँ रोज़ कम से कम 100-200 लोग रोज आते हैं। इतवार और सोमवार को 500 से ज़्यादा आदमी आते हैं यहाँ पर। और दिनों में खासकर शिवरात्रि के दिन यहाँ तो 4 लाख से ज़्यादा ही मतलब लोग आते हैं यहाँ पर। सावन में पूरा मेला चलता रहता है यहाँ पर। यहाँ विशेषता यह है कि यहाँ पर खंडित रूप में पूजे जाते हैं शिव जी। इसका एक बहुत पुराना इतिहास है कि जब पांडवों ने वनवास के समय अज्ञातवास में जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने स्वयं अपने आँखों से देखा था पहली बार, क्योंकि ये शिवलिंग पांडव स्थापित नहीं किया है, ये स्वयंभू शिवलिंग है। उसके बाद उन्होंने अपने हाथों से 2.5 पौड़ी का निर्माण किया, सरोवर का निर्माण किया, वहाँ से स्नान ध्यान करके पूजा अर्चना किए। उनके बाद यहाँ पर अनेक ऋषि महात्मा आए, उनमें से 9 ऋषियों ने अलग अलग समय में यहाँ पर आत्मज्ञान प्राप्त करके जिंदा समाधि ली हुई है। उनके बाद जब मुगलों का शासनकाल आया तो बाबर जब यहाँ पर आया था, उसने शिवलिंग को निकालने की कोशिश की। 20 फुट तक उसने गड्ढा किया तो नीचे से पानी निकल गया, मगर शिवलिंग का आकार पता नहीं चला कितना अंदर तक है। तो उसने गुस्से में आकर ऊपर से अपने कृपाण से खंडित कर दिया। जब खंडित किया तो खून की धारा निकल गई, वो डर के यहाँ से चला गया। उसको मतलब परिवार में बहुत महामारी फैल गई। फिर वो दोबारा यहाँ पर आया और उधर उस साइड में एक शिवलिंग का उसने निर्माण करवाया है। मुगलों ने पूरे भारत भर में हर जगह मंदिर तोड़े हैं, पर एक यही स्थान है पायल प्राचीन महादेव मंदिर जहाँ पर उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया है। वो देखिए उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो मुगल आक्रमणकारी आए थे तो उन्होंने यहाँ पर इस पर अटैक किया था। मंदिर का शिवलिंग निकालने की कोशिश की थी, जब नहीं निकला तो उसको कृपाण से तलवार से काट दिया था तो खून बहा। तो उसके बाद महामारी आ गई। जो राजा के जो परिवार थे तो उन्होंने फिर यहाँ नया मंदिर बनवाया था। और इस समय मैंने आपको दिखाया कि ये जो मंदिर है प्राचीन मंदिर है, पायल गाँव में मंदिर है, लुधियाना शहर में ये मंदिर है। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दिलजीत।